नरसिंहगढ़ नगर पालिका परिसर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 1 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार की हितग्राही योजनाओं की जानकारी प्रदान की, जिससे उनका गृह प्रवेश एवं भूमि पूजन करवाकर हितग्राहियों को लाभ दिया गया। नरसिंहगढ़ क्षेत्रीय विधायक राजवर्धन सिंह के बड़े पुत्र विधायक प्रतिनिधि विक्रम सिंह विशेष अतिथि के रूप में नगर पालिका परिसर में मौजूद रहे। कार्यक्रम में पधारे सबका साथ सबका विकास दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना जिन जिन हितग्राहियों का भूमि पूजन हुआ उनकी राशि उनको आवंटित की जा चुकी है। विधायक प्रतिनिधि युवराज विक्रम सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सभी योजना पीएम आवास योजना की जानकारी दी एवं सभी को बधाइयां दी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। महामंत्री दिनेश जाटव, विधायक प्रतिनिधि योगेंद्र सिंह परिहार, विधायक प्रतिनिधि कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह पवार, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता गजेंद्र सोनी, गौरव यादव, मधु साहू, रेखा भाभी, दीपक दांगी, प्रसून त्रिपाठी, अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुनील वर्मा, सुधीर वाल्मीकि, राकेश रोशियाम आदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर पालिका के सारे कर्मचारीगण, आप सबको आज ये बताते हुए बड़ा खुशी का दिन है कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के बाद जो हितग्राही है उनको गृह प्रवेश करवा रहे हैं। जैसा कि हमारे अभी राहुल शिवरे जी ने आपको जानकारी दी कि नरसिंहगढ़ में कितने हितग्राही हैं जिनको फायदा मिल रहा है आज। और ये जो प्रधानमंत्री आवास की जो योजना है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये योजना तब तक चलते रहेगी जब तक कि हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल जाता। अभी कुछ साल पहले गलती से कांग्रेस की सरकार बन गई थी तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया था, मना कर दिया था कि नहीं, हमारे पास राशि नहीं है, हम गरीबों के लिए आवास नहीं ले सकते। मगर थोड़े समय बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने ये योजना वापस चालू करवाई और उसके बाद से नए लोगों के नाम भी, जिनका आवास में नाम अभी तक नहीं जुड़ा था सूची में, उनका नाम भी पीएम आवास प्लस में जुड़ना चालू हो गया है और उन्हें भी बहुत जल्द आवास मिल जाएगा। नरसिंहगढ़ से कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह पवार की रिपोर्ट।